guys, welcome or welcome back to my channel. This is me, Sana Mehrotra. If you are seeing this face for the very first time, hit the subscribe button down below and also hit the bell icon next to it so that you get notified each time I upload a new video. Guys, welcome back to second part of my lipstick collection. तो आप जैसा कि मेरा हाथ में अभी recently मैंने बस shoot किया अपना part one और video बहुत ज़्यादा lengthy हो रही थी, मुझे लगा कोई देखेगा नहीं, so इससे better है कि दो parts में कर लेते हैं. So these are the swatches जो कि मैंने first part में दिखाए हैं और एक entire डब्बा मैंने finish कर दिया था और ये जो दूसरा वाला box है ये मुझे दिखाना बाकी रह गया है. सो अगर आप इंटरेस्टेड हो देखने के लिए कि मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है और मैंने क्या क्या दिखा दिया है वो नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लेना. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी वीडियो मिल जाएगा. सो मेक श्योर टू चेक इट आउट. और अगर आप जानना चाहते हो कि दूसरे वाले डब्बे में कौन कौन सी लिपस्टिक्स है देन लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो. गाइज, जैसा अगर आप लोगों ने पहला वाला पार्ट देख लिया है ना तो आपको पता ही होगा कि जो मेरे पुराने वाले कलेक्शन थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं और जो नए वाले लिपस्टिक्स हैं वो मैं इधर की तरफ स्वॉच करूंगी. ये रहे पुराने वाले, आगे मैं करूंगी नए वाले. सो चलो फटाफट से देखते हैं. सो फर्स्ट लिपस्टिक उठाते हैं जो कि एक रेड शेड है. क्रिसमस और न्यू ईयर्स चल रहा है तो इस समय रेड का ना क्रेज ही अलग होता है. सो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड सेरी और ये उनकी बुलेट लिपस्टिक है और दिस इज हाउ इट लुक्स. काफ़ी प्रिटी रेड शेड है गाइज ये और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल लगता है ये. सो दिस इज़ द शेड गाइज. ये समवेयर अराउंड 600 के आसपास की लिपस्टिक है, 549 रुपीज़ की और ये मुझे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिली थी फ्रॉम स्मिटन. वो वाला वीडियो भी चेकआउट कर लेना. आगे आते हैं नेक्स्ट लिपस्टिक की तरफ जो कि एक रेड लिपस्टिक फिर से है. सो दिस इज फ्रॉम पर्पल और ये कौन से शेड में है भाई, दिस इज इन द शेड माय फर्स्ट हुकअप 11. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. पैकेजिंग बहुत ही स्लीक और ब्यूटीफुल सी पैकेजिंग है. सेरी वाली की भी ना पैकेजिंग बहुत ही गॉर्जियस थी, आपने देखा ना ब्लैक कलर की थी. सो बहुत ही लग्जूरियस पैकेजिंग थी उसकी भी. ओके, सो दिस इज द रेड शेड गाइज. बहुत ही डीप रेड शेड है इसका, थोड़ा सा मरूनिश टोन इसमें इंक्लूडेड है. सो जो न्यूली वेड हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट शेड है. वेडिंग सीजन में आप इसको पहन सकते हो और आप फेस्टिव्स के टाइम पे भी पहन सकते हो, तब भी ये बहुत प्रिटी लगने वाला है. रेड शेड्स की बात हो ही रही थी तो मेरे पास दो और रेड शेड्स हैं तो मैं उसको भी दिखा देती हूँ पहले. नेक्स्ट शेड इज फ्रॉम बरॉम्ड और ये मुझे किसी ने गिफ्ट किया था. सो दिस इज अ ब्यूटिफुल लिपस्टिक गाइज. बहुत ही प्यारा सा शेड है ये और मैंने इसे अपने क्रिसमस वाला जो लुक क्रिएट किया ना उससे मैंने एक आई लुक भी क्रिएट किया है और इसे मैंने अपने लिप्स पे भी अप्लाई किया था. बहुत ही प्यारा रेड शेड है गाइज. आई एम इन लव विद दिस शेड. बहुत 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 ही ज्यादा प्रिटी शेड है और काफ़ी लंबे टाइम तक ये स्टे करेगा. अगली एक और रेड लिपस्टिक जो आएगी वो है ये एक क्रेयॉन लिपस्टिक जो कि मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा था दिल्ली के. सो दिस इज़ द शेड गाइस. इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टोन आती है इस वाले लिपस्टिक में. ये भी काफ़ी प्रिटी है. ये मैंने लास्ट ईयर जो अपना क्रिसमस लुक शेयर किया था उसमें ये वाली लिपस्टिक मैंने अप्लाई की थी. अगली शेड जो है ना वो है नायका से. दिस इज पाउट परफेक्ट केन टू माई बाबी 18 नंबर. सो ये एक शार्पन होने वाली लिपस्टिक है क्रेयॉन. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. दिस इज द शेड गाइस. ये भी एक डार्क शेड ही है और ये टुवर्ड्स पिंक टोन है और बहुत ही प्रिटी लगेगा इंडियन स्किन टोन पे. अगली जो लिपस्टिक है ना वो है लैक्मे मैट मेल्ट एब्सोल्यूट लिक्विड लिपस्टिक. दिस इज अ ब्यूटिफुल शेड गाइस. दिस इज हाउ इट लुक्स. बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है ये लिप्स पे. बहुत ही प्रिटी शेड है ये भी. अगली जो हमारी लिपस्टिक है ना वो है इनसाइड कॉस्मेटिक्स से एंड दिस इज इन द शेड टॉफी और ये परफेक्ट कोरल शेड है गाइस. इसकी पैकेजिंग भी ना काफ़ी अच्छी लगती है और ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल लिपस्टिक्स हैं गाइस. आई थिंक ये 90 रुपीज़ के अंडर की लिक्विड लिपस्टिक्स है और इसकी जो स्टे है ना वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कंफर्टेबल है लिप्स पे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स. जस्ट अ मिनट. सो दिस इज द शेड गाइस. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटिफुल शेड है ये. अगली लिपस्टिक जो कि इसी रेंज से है और वो थोड़ी डार्क टोन लिपस्टिक है एंड द शेड नेम इज जॉयफुल.
ये एक ब्राउन शेड लिपस्टिक है, तो जो डार्क डीपर स्किन टोन्स हैं उनके ऊपर ये परफेक्ट न्यूड का काम करेगी। सो दिस इज द शेड गाइस, बहुत ही ज्यादा प्रिटी ब्राउन शेड है। अगली लिपस्टिक जो है ना वो है NY बेस है, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सा न्यूड शेड है, एंड द शेड नेम इज पेपी पियर्सन। सो दिस इज हाउ इट लुक्स। नेक्स्ट लिपस्टिक इज फ्रॉम माई ग्लैम, और इसका शेड आई थिंक कफिंग था। यस दिस इज कफिंग। ये लिपस्टिक जो है ना, इस पे मैंने एक एंटायर रिव्यू किया हुआ है। ये फ्री लिपस्टिक्स कहने के लिए आती हैं, और एक सर्वे आप करोगे तो उसमें आपको ये मिलेगी। 99 रुपीज़ में 395 की लिपस्टिक है। सो बट इसकी जो क्वालिटी है ना वो मुझे बहुत ही बेकार लगी, बहुत ही ज़्यादा ड्राइंग है लिप्स पे। आप कितना भी अच्छे से प्रेप कर लो आपके लिप्स को, बट ये काफ़ी ज़्यादा ड्राई करती है। सो आई हैव टू लिपस्टिक्स फ्रॉम दिस रेंज फ्रॉम माई ग्लैम। सो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ, अगर कोई लिपस्टिक होती है उसमें शेड अप करना है डाउन करना है तो मैं उसके लिए इसको यूज़ कर लेती हूँ। बट इसकी जो शेड रेंज है ना वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर शेड रेंज है। आप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए। सो हाँ, सो एक और जो शेड मैं आपसे बात कर रही थी, सो एक मैंने सबसे ज़्यादा डार्क शेड लिया था और एक सबसे लाइटेस्ट शेड लिया था। दिस इज़ आर बॉम। ये भी बहुत ही प्रिटी शेड है गाइस। कहाँ जा रही हूँ मैं? सो ये रहा शेड, दिस इज़ द शेड गाइस। बहुत ही प्रिटी शेड है ये भी, बहुत ही लाइट न्यूड शेड है। अगला जो है ना वो एक लिप ग्लॉस है, ये कोई लिपस्टिक नहीं है, एक क्लियर लिप ग्लॉस है फ्रॉम स्विस ब्यूटी। इसका भी स्वॉच दे के दिखाई देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा शिमरी ग्लॉस है ये, आप देखो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है ये। आज मैंने नायका की एक लिपस्टिक लगाई है जो कि मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था, उसके ऊपर मैंने ये वाला लिप ग्लॉस लगाया है, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत ही ग्लॉसी लगा दे बना देता है आपके ओवरऑल लुक को, और ये भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल था, आई थिंक विद इन 200 ही था। नेक्स्ट लिपस्टिक जो कि अगली अफोर्डेबल रेंज से है वो है ब्लू हेवन की इंटेंस मैट लिपस्टिक, एंड दिस इज इन द शेड सैंडी बीच। दिस इज द शेड गाइज, ये भी बहुत ही प्रिटी शेड है। थोड़ा बहुत सिमिलर है, आपको न्यूड शेड्स ना ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल जाएंगे। सो थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का सा एक दो शेड रहता है बस। अगली शेड जो कि एलेटीन से है वो है 75 रुपीज़ की एक लिपस्टिक है, एंड द शेड इज न्यूड फिक्स। सो दिस इज द शेड गाइज, ये भी काफ़ी अच्छे टाइम तक स्टे करती है, अफोर्डेबल है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ड्राई करेगी आपके लिप्स को, कंफर्टेबल है आपके लिप्स पे। ये जितनी ही मैं आपको अफोर्डेबल रेंज की लिपस्टिक दिखा रही हूँ ना, ऐसा नहीं कि इनकी क्वालिटी लो है। अगली जो है ना वो है इनसाइट मैट की रेंज से, इसकी आउटर पैकेजिंग मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। दिस इज़ हाउ इट लुक्स, न्यूड कॉफ़ी शेड है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा एलिगेंट शेड है, और ये थोड़ा सा कोरल शेड में आ जाएगा। दिस इज़ द शेड गाइज। फिर है हमारी एलिटीन से ही कलर पॉप, एंड द शेड इज पिंक स्पाइस इज द शेड गाइज। ये सारी ही लिपस्टिक बहुत ही कंफर्टेबल है लिप्स पे। अगली हम आ जाते हैं पर्पल की ही लिपस्टिक पे। सो इसका शेड क्या है? माई फर्स्ट बे। बस इसमें एक कमी यही है, पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है, बस इसका शेड रेंज जो है ना मेंशन नहीं है। दिस अगली लिपस्टिक जो है ना वो है सेवन हेवन से, और दिस इज इन दी शेड गाइज। इस पे शेड मेंशन नहीं है, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज की थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा डार्क शेड लिपस्टिक है, बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है मेरे ऊपर। सो मैं इसको कॉन्टोर के लिए यूज़ करती हूँ। सेवन हेवन जो है ना वो एक सिस्टर कंपनी है ब्लू हेवन की। सो या दिस इज दी शेड गाइज। अगली हमारे पास ना तीन जो है ये हैं लिप लाइनर्स। मैंने लिप लाइनर्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है, ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किया हुआ है। इसमें आपको टॉप पे यहाँ पे मिल जाता है शार्पनर, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये शार्पन करने के लिए। सो दिस इज द शेड गाइज, इसको आप एज अ लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो। सो गाइज दिस इज द शेड, ये भी बहुत ही लाइट पिंक न्यूड शेड है, और ये मैंने आई थिंक 50 या 60 ऐसे कुछ परचेज की थी, और ये भी सेवन हेवन से है। ये तीनों ही सेवन हेवन से ही हैं गाइस, और ये जो शेड है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, थोड़ा सा लाइट डार्क का शेड है। दिस इज हाउ इट लुक्स। अगला जो है वो है ये शेड, डार्क पिंक टोन है ये भी बहुत प्रिटी लगता है,
ये सारे ही जो है ना काफी कंफर्टेबल हैं. दिस इज फ्रॉम NY बे और ये कुछ इस तरीके से लगती है गाइस. और इसको मैं, पैकेजिंग इज क्वाइट गुड, बहुत अच्छी पैकेजिंग है इसकी. और ये बहुत ही डार्क शेड की लिपस्टिक है जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगती है. दिस इज हाउ इट लुक्स, बहुत ही प्रिटी शेड है गाइस. और हाँ, बट इसकी मुझे ना वॉन्ट थोड़ी कम पसंद है क्योंकि वो हिलती डुलती रहती है. टू लिप एंड चीक टिंट जो कि मेरे पास दो हैं, एक है माई ग्लैम से, ये काफ़ी अच्छा लगता है. अगर आपको बेसिक न्यूट्रल उसमें जाना है ना शेड में, तो ये बहुत प्रिटी लगता है. इसका शेड जो है ना वो है फेरोलिक और ये कुछ इस तरीके से लगती है. कांच की बॉटल में आती है, बहुत ही प्यारी है और ये ऐसी लगती है कुछ. इसको जब आप ब्लेंड करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा एकदम नेचुरल वाला लुक देती है ये. आपने मेकअप नहीं किया, आप एज इट इज भी इसको लगा सकते हो, प्यारी लगती है, लिप्स पे भी अच्छी लगती है. नेक्स्ट जो है वो है जस्ट हर्ब्स की ये वाली टिंट और इसकी जो शेड है वो है रोज कोरल और ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लिया था फ्रॉम स्मिटन. ऐसी लगती है ये गाइज, ये भी बहुत ही नेचुरल लुक देती है. दिस इज द शेड गाइज, बहुत ही प्यारा लगता है. अगर आपको इसको लिपस्टिक की तरह लगाना है तो आप ब्रश की हेल्प से इसको अपने लिप्स पे लगाओगे तो भी अच्छी लगेगी. और अगर आपको टेंट अप्लाई करना है तो आप लिप्स पे जस्ट ऐसे ही अप्लाई कर लो, वो भी बहुत अच्छी लगती है. सो दीज वर ऑल द शेड्स, बहुत ही डिफरेंट शेड्स हैं, डार्क टोन्स भी है, पिंकिश टोन्स भी है. दीज वर द फर्स्ट पार्ट में जो थे और ये जो है वो सेकेंड पार्ट के हैं. सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. फर्स्ट वाला पार्ट नहीं चेक किया तो उसको भी चेकआउट कर लेना. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में और मैं आगे भी लेकर के आऊंगी अपना मेकअप कलेक्शन. आई शेडो वाला पार्ट भी नहीं देखा ना तो उसको भी चेकआउट कर लेना, तभी तो मजे आएंगे ना फाइनल वाला मेकअप रिवील देखने में. सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो गाइज. आई कैच यू गाइज अप इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर फैमिली, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस. आई कैच यू गाइज अप इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.